Hi, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. And let us quickly discuss what we discussed yesterday and what happened today. And then we'll start for tomorrow's trade plan. Right. So there are two things that I said. Okay astro timing. Because if you look at this week, all the astro timings what we have said is actually happened negative. If, for example, Monday we said that we will see a

ग्रुप uh, में बोला भी था कि मार्केट में गैप अप होगा बट उस गैप अप में आपको सी पोजिशन अपने कट करने है यूल गेट ए चांस टू कट योर सी पोजिशन और उसके बाद हमको सी सेल करना है राइट right? और वन मोर पॉइंट आई सेट कि ये जो फ्राइडे की लो है और ये जो बॉटम्स बनी हुई थी ये बॉटम कल सेव हो जाएगा इफ यू लुक एट क्लोजिंग इज एक्चुअली डे एंड तक अगर आपने रखा होता कोई भी पोजिशन तो क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो यहीं पे थी और ये थोड़ा सा नीचे गया अराउंड टेन मिनट्स बट इमीडिएटली फोर हंड्रेड पॉइंट्स का मूवमेंट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस लेवल्स ओके इट केम बैक क्लोज अराउंड दिस ओके वो बैंक निफ्टी का था तो हमने पैसे कहाँ पे बनाए अगर देखो तो हम ग्रुप में तो एक्टिवली हमने ट्रेड नहीं किया आई जस्ट एंटर द ट्रेड वेन एक्चुअली दिस हाई मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग अंडर दिस हाई और सबको पता है कि मैंने पोजिशन कहाँ पे रक, कट करी थी मैंने पोजिशन यहाँ पे कट करी थी व्हाट इज द रीजन रीजन यही था कि मार्केट जो है ये लेवल को ब्रीच करके ज्यादा लंबा नीचे नहीं जा पाएगा जब ये ट्रिपल बटम मार्केट ने बनाया तो मैंने अपना स्टॉपलस जो है वो क्लोज ट्रेल किया और ये जो कैंडल था ये कैंडल कैंडल छोटा दिख रहा है बट इट्स कैंडल जिसने आपका मेरा ट्रेलिंग स्टॉपलेस कट किया तो मेट गुड मनिंग मनी स्टिल अंडर वन लैक विद इन कम्पलीट द सेंचुरी दैट इज ओके are doing option selling option selling mein we have less positions पोजिशन rather than buying

So, कल की जो जो भी टाइमिंग मैंने वीकली दी थी वो टाइमिंग को आपको ये इग्नोर करनी है टाइमिंग, हमारी व्यू क्या थी फ्राइडे मॉर्निंग में ये बेसिकली फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा और सेकेंड हाफ में यू कैन सी ए ब्रूटल ब्रूटल सेल बट दैट व्यू मे नॉट वर्क एक व्यू जो देखो पहली चीज में कल के लिए जो एडवाइस दूंगा अगर आपने एवरीडे पैसे बनाए लाइक मंडे पैसे बनाए टे वजडे भी पैसे बनाए आज भी पैसे बनाए जो हमने बनायाडे इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट बट वी स्टिल थ्री डेज आइडियाली सो अगर इतना है तो फ्राइडे में मैं थोड़ी हाफ क्वान्टिटी में ट्रेड करूंगा आइडियली ओके बिकॉज फ्राइडे इज माइट बी ट्रिकी एक व्यू जो रहता है कि फ्राइडे में जनरली सेकेंड हाफ में सेल आता है ठीक है तो आ, उसी को हम उसी पोजिशन के साथ हम मार्केट में जाएंगे एक व्यू जो मेरी थी कि थर्सडे तक मार्केट ये बॉटम को क्रॉस नहीं करेगा दैट इज वैलिड बट टुमारो इट इज नॉट वैलिड ओके सो टुमारो देखो मार्केट में क्या एक ब्रूटल फॉल हो सकता है ठीक है तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कल की जो मैंने टाइमिंग दी थी सिमिलर टाइमिंग है ऑलमोस्ट आपको 10:30 टू 11 एएम इफ यू गेट पॉजिटिव कैंडल्स ओके

आज का डे लो है राइट right? करेक्ट तो ये एक लेवल आपको रखना है यह हमारी वीकली सपोर्ट वन है इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर सपोर्ट के लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो वेरी वेरी हाई चांस के ये एटलीस्ट तो सपोर्ट वन और टू के बीच तक तो आए टारगेट दे ये देखो 1500 पॉइंट्स का टारगेट है आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट विल फॉल 1500 पॉइंट्स टुमारो बट हम लोग एक टारगेट 700 पॉइंट्स की लेके जा सकते हैं around this 34200 34100 एक हमारा पावरफुल लेवल है जो पहले भी हमने बहुत बार ट्रेड किया है तो 34200 तक का एक टारगेट हम ले सकते हैं किस कंडीशन में अगर मार्केट फर्स्ट हाफ एन आवर में ये डे लो कट कर देता है जैसे ही डे लो कट करेगा ये हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप बेसिकली टारगेट हम ले लेंगे 34200 तक मिनिमम उसके बाद रेस्ट इज बोनस तो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला ठीक है तो ये एक सेल मेरे लिए एक परफेक्ट सेल होगी जिसमें अराउंड 300 पॉइंट्स में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा 300 टू 400 पॉइंट्स ठीक है आई विल ट्राई टू कैप्चर दिस फॉर श्योर ठीक है और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है प्राइस एक्शन के बेस पे सेकेंड हाफ में बाय करने की कोशिश करेंगे इफ मार्केट फॉल्स रियली रियली हैवी

थर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट के आसपास फॉल करता है ये बाई जोन बड़ा है बट ये बाई जोन के टच पे हमें बाई लेना है ये जो ब्लैक लेवल मैंने बनाया यहाँ पे तीन लेवल है हमारे एक तो बाई जोन है एक मेरा सपोर्ट टू है और मेरी और एक लेवल है तीन लेवल की कॉन्सिडेंस है इज वेरी वेरी हाई चांस मार्केट बाई चांस अगर मिलता है तो ये चांस को हमें मिस नहीं करना है इसमें से अराउंड अगेन फोर हंड्रेड पॉइंट्स की बाइंग हम लेनी है ये लेवल पे ठीक है सो दिस इज ऑल्सो ए गुड मैं एक कल कल के लिए आई एम ओनली गिविंग यू एक्सट्रीम ट्रेडिंग थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी पे ही आप बाई करोगे और एट हंड्रेड तक लेके जाओगे 400 पॉइंट्स की ही बाइंग है उसके बाद रेस्ट इज बोनस ओके सेकेंड ट्रेड जो मैंने दिया है 400 पॉइंट्स की अगेन अगर ये डे लो कट होता है ठीक है डे लो कट होता है तो 34,200 की पाएंगे ये हमारी एक्सट्रीम ट्रेडिंग होगी ठीक है मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है रिमेंबर दिस सिनेरियो वेरी क्लियरली अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाना चालू करता है 34250 ये लेवल है ये लेवल डाल देना मैं आज बिना लेवल का ट्रेडिंग दे रहा हूँ आपको बिना ड्रा किए हुए 34250 से मैं एक सेल चालू करूंगा आफ्टर 10:30 ओके ये डे लो के आसपास थोड़ा हम टाइटली

तुम्हें, तुम्हें, मार्केट अगर इसके ऊपर मिनट भी सस्टेन किया ना ये, ये था, मैंने बोला था, इसके मार्केट अगर किया तो शॉर्ट कवरिंग मारेगा बट मैंने बोला था चांसेस आर वेरी वेरी रेयर तो मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया कि वो लेवल के ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है इट्स नॉट गोइंग सिमिलरली टुमारो आल्सो 35,350 के लेवल को आपको ध्यान देना है ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट 10 मिनट सस्टेन कर जाता है कट कर लेना अगर आप पी e में हो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है बट मुझे नहीं लगता कि कल भी ये शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो होगा मार्केट वुड स्टिल बी सेल ऑन राइज फॉर मी टूमो निफ्टी का बता देता हूँ निफ्टी में भी बहुत क्लियर लेवल में दे दूंगा आपको निफ्टी में, में मेरी जो लेवल है वो बहुत सिंपल है ठीक है सिक्स ये जो है नहीं यहाँ पे नहीं के आसपास, है, न, आपको एक स्विंग मिल जाएगा, के आसपास ये गैप अप सिनारियो की बात कर रहा हूँ मैं सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी के आसपास मैं सेल लेने की कोशिश करूंगा अगर मिलता है दैट मींस मार्केट गोइंग हंड्रेड पॉइंट्स अप हो, गैप अपनारियो में बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं सेल करूंगा और मैं दिन भर सेल में ही रहूंगा खाली ये जो डे लो है ये डे लो में एक बार आपको स्टॉप लॉस क्लोज ट्रेल करने की जरूरत है री एंट्री यू कैन डू अगेन वेन द डे लो इज कटिंग ठीक है और यहाँ पे जो टारगेट होगी ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है तो 16,300 टू तो 320 के आसपास की आपकी टारगेट होनी चाहिए ठीक है ये सिनारियों में तो 300 पॉइंट का फॉल वी कैन गेट इजिली फ्राइडे है तो यू मे गेट इट इजीली यहां पे जो स्टॉपलेस होगी वो स्टॉपलेस आपकी स्ट्रिक्टली यहाँ पे होगी ओके सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी पचास पॉइंट का स्टॉपलेस है इसके ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन किया दस मिनट तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी बट आई रियली डाउन

चलो 16,200 तक ले लो 16,200 तक आपकी एक टारगेट बन जाती है इफ द डे लो इज कट इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स फ्राइडे में ओके okay? एक टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट में दोबारा देख सकते हैं बिफोर वी गो फॉर ए बाइंग सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड इज ए बाइंग लेवल जैसे मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको दिया था ये लेवल थर्टी थ्री थाउजेंड फोर ट्वेंटी यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री Is my level. पे हम एक बाइंग कर सकते हैं उससे पहले नहीं करने का है और जो मेरा खुद का प्रेफरेबल ट्रेड यही होगा जो मैंने कल भी बोला था आपको मार्केट ऊपर जाके ऊपर से हम लोग सेल करेंगे मार्केट को मार्केट ने गैपअप बहुत बड़ा कर दिया हमारी आज की व्यू क्या थी व्यू ये थी कि मार्केट हल्का ओपनिंग करे अराउंड वन आवर मार्केट ऊपर सस्टेन करे और फिर फिर फॉल करे मार्केट राइट तो दैट डेंट हैपन बिकॉज द गैप अप वाज रियली रियली बिग सो मॉर्निंग से ही सेल चालू हो गया तो कल कल भी सेम सिनारियो है कल भी सेम सिनारियो है आज ये डे हाई के कट पे आपको सेल लेना था कल ये डे लो के कट पे आपको सेल ले लेना है वी माइट गेट अनादर गुड बिग फॉल देखो बाइंग में आई एम नॉट ए बिग गाय टूमारो

डेली कैंडल में मैं बताता हूँ वाई आई एम मोर प्रिफरिंग द सेल वन ऑफ द रीजन इज अगर आप देखोगे निफ्टी की बात अगर डेली कैंडल में अगर देखोगे आपको यहाँ पे आपको एक रीजनेबल ब्रेकआउट रीटेस्ट मिला है यहाँ पे राइट कैन यू सी दिस इज अ ब्रेकआउट सपोर्ट 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 ये रजिस्टेंस लिया है और आज वो रजिस्टेंस के नीचे ओपन होके फॉल हुआ है मार्केट सो दिस इज ए बियरिस्ट साइट तो so मार्केट में बुल रहने का मुझे कोई ये नहीं लगता कि कोई चांसेस है कि हमें बुल रहना चाहिए ठीक है और वेरी वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट अगर ये डे लो कट करे तो ये जो रीटेस्टिंग थी फ्राइडे की आज निफ्टी की फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं निफ्टी की फ्राइडे की लो ये थी 250 के नहीं 202 के 203 एग्जैक्ट लेवल 206 आई है 206 मेरा लेवल 203 का है ठीक है तो so

ठीक है सेम चीज आप बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा मैं अब बैंक निफ्टी में दिखाता हूं तो प्लान हम कैसे करेंगे ठीक है कल ये भी देखो सिमिलर पैटर्न है सिमिलर पैटर्न है अगर आप देखोगे तो ओनली थिंग इज दैट ये जो फ्राइडे की लो है उसके थोड़े नीचे मार्केट ने क्लोज किया ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज किया है बचा लिया है बट कल नहीं बचा पाएगा तो ये भी अगर आप देखोगे ये भी एक रीजनेबल ब्रेकआउट रीटेस्टिंग से ही आ रहा है ये देखो ये गया ऊपर

बेसिकली बोनस ओके से प्राइस के के सेक्शन के के में हम बाय करेंगे बट माई व्यू इज एक रेड कैंडल और फॉर्म होना चाहिए okay? उसी व्यू के साथ हम ट्रेड करेंगे लॉस के साथ ट्रेड करेंगे बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे इम्पॉसिबल थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता दी